आजे हेउची 6 अक्टोबर 2023 इतिहास बहिरे अनेक पृष्ठा रहिछि प्रत्येक पृष्ठा किछि ना किछि नुवा कहानी कहिथाय तेबे आसंतु आजर इतिहास पृष्ठारु किछि नुवा तथ्य विषय रे जानिबा कोन रहिछि आजर इतिहास रे। इजिप्ट रे प्रति वर्ष अक्टोबर 6 तारिख को आर्म्ड फोर्सेस डे भाबे पालन करा जायथे 1973 मसीहारे मिसर एवं सीरियार सामरिक बाहिनी इस्राएल उपरे आक्रमण करि साइना उपद्वीप को जाइथिले जहां अक्टोबर रु आरंभ होइथिला। सेभली 1972 सेप्टेम्बर रे नेशनल कोचेस डे पालन करबाक घोषणा करा जाइथिला। ता परठारु अक्टोबर 6 तारिख को नेशनल कोचेस डे भाबरे पालन करा जाउछि। एही दिनरे उभय पुरुष एवं महिला मानंकु सम्मानित करबा जीवनरे आगुकु बढ़िबा पई हेले जणे कोच कर आवश्यकता जरूरी रहिछि। कोच भूल ठीक कथा मध्य कहिथांती आम समस्यार समाधान मध्य करिथांती। आजर एही दिनरे सेमानंकु सम्मान देबा एवं तांको गुरुत्व संपर्करे बुझिबा 6 अक्टोबर 1974 मसीहारे भेंगलेल कृष्णन मेनन मृत्युवरण करथिले। से जणे भारतीय एकेडमिक राजनेता जिए कि भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू परे भारतर द्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति भाबरे परिचित थिले। 1947 मसीहा पूर्वरु मेनन लंडन रे इंडिया लीग तथा व्यापक भारतीय स्वाधीनता आंदोलनर नेतृत्व नेथिले। 78 वर्ष बयसरे दिल्ली रे तांकर मृत्यु होइथिला। ठीक सही भली 6 अक्टोबर 1899 मसीहारे दिवाकर पटनायक गंजाम जिला रे जन्म ग्रहण करथिले। 1947 मसीहारे से फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ इंडिया रो वाइस प्रेसिडेंट होइथिले। 1957 मसीहारे से प्रजा समाजवादी पार्टी रे चोगो दे राज्यसभा को निर्वाचित होइथिले। से भारतीय राजनेता रो जणे दृढ़ संगठक थिले। राज्यसभा रे ओडिसा रो प्रतिनिधित्व मध्य करथिले। 1976 मार्च 1 तारीख रे से मृत्युवरण करथिले। सेभली 6 अक्टोबर 1954 मसीहारे सारा भारत रे राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना आणिबा पई घोषणा करा जायथिला आउ एही घोषणा भारतर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू करथिले। भारत रे स्वास्थ्य अवस्था रे परिणत आणिबा पई एभली निष्पत्ति निया जायथिला। 6 अक्टोबर 2021 रे अरविंद त्रिवेदींकर देहांत होइथिला। से गुजरातर जणे भारतीय अभिनेता तथा राजनेता थिले। गुजराती सिनेमा रे 40 वर्षरु अधिक समय धरि से काम करी बेस परिचित होइथिले। टेलीविजन रे प्रसारित हेउथबा धारावाहिक रामायण रे रावण भूमिका रे अभिनय करथिले। रावणर चरित्र को से एते निखुण भावरे वर्णना करथिले जे दर्शक माने एही धारावाहिक को अधिक भल पाथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर ओडिशा।